Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. I have to support you, na? मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत शानदार रिसेप्शन भी ऑर्गेनाइज किया है। रिसेप्शन? हम यहाँ क्यों आए हैं? अली, ये मंदिर है, हमारी शादी होगी यहाँ पे। क्या? हाँ, हमें ये करना पड़ेगा वरना मामा ही इस शादी को नहीं मानेगी। हेलो, क्या आयल? आयल? पायल, क्या हुआ? कुछ पायल, क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? पायल रुको, पायल मेरी बात तो सुनो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब, I mean, why didn't you knock the door? रात को मैं तुम्हें ढूंढता रहा, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी, फिर यहाँ आया तो तुम्हारी गाड़ी नजर आ गई मुझे। तुम क्या रात भर से यहाँ हो? नहीं, माजूरी का एहसास मुझे कल से ज्यादा पहले कभी नहीं हुआ। अगर मैं माजूर ना होता तो तुम्हें कभी जाने भी ना देता भाई। मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, I had to come. क्या हुआ उन्हें? डॉक्टर जो भी कहें, लेकिन मैं उनका मर्ज जानती हूँ। बताओ तो हुआ क्या है? जानकर क्या करोगे? जानता हूँ उनका मर्ज तुम नहीं, मैं हूँ पाया। तुम मुझे उनके पास लेके जाओ, मैं उनसे माफी मांगता हूँ। मैंने कहा ना, तुम नहीं मिल सकते। मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम जिंदा रहे। मैं तुम्हारी तरह अपनी मॉम को मरते हुए नहीं देख सकती। कोई एक घर तो बचा रहे टूटने से। अली, तुम क्या चाहते हो? इधर उधर हर तरफ सब कुछ खत्म हो जाए? क्यों पायल? पता नहीं क्यों, लेकिन मैं गिल्टी फील कर रही हूँ शादी करके। नहीं नहीं पायल, ऐसा मत सोचो, मैं वही अली हूँ। सबके साथ दिलासे और तसल्लियाँ रह जाती हैं, मोहब्बत नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो पायल? कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी माँ की तरह उनको मरते हुए नहीं छोड़ सकती। शादी का फैसला मेरा था, अगेंस्ट हर विल, लेकिन उनको छोड़ने का फैसला मैंने कभी नहीं किया, इसीलिए वो रिसेप्शन अरेंज की थी। मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, चला जाऊंगा। तुम अपनी मामा के पास जाओ, मैं इतना जरूरी नहीं। इतनी खूबसूरत बातें हैं, तुम्हें पाकर भी तुम्हारे इंतजार में रहूंगा। मैंने कहा ना, तुम नहीं मिल सकते। मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम जिंदा रहे। मैं तुम्हारी तरह अपनी मॉम को मरते हुए नहीं देख सकती। कोई एक घर तो बचा रहे टूटने से। अली, तुम क्या चाहते हो?
इधर उधर हर तरफ सब कुछ खत्म हो जाए। पता नहीं क्यों लेकिन मैं गिल्टी फील कर रही हूँ शादी करके। वक्त के साथ दिलासे और तसल्लियाँ रह जाती हैं, मोहब्बत नहीं, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी माँ की तरह उनको मरते हुए नहीं छोड़ सकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अरे अली कहाँ हो, कैसे हो मियां, सब खैरियत तो है ना? वही हूँ सर, कहीं जाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है मेरे पास। अली मियां, रास्ता होता नहीं है, बनाया जाता है। खैर तुम अपने बारे में बताओ ना मुझे, इतने बड़े हादसे से गुजरे हो तुम। गुजरी हुई चीज का क्या बताऊं सर, मासूर हो चुका हूं मैं, और इसकी वजह से हर रोज एक नए हादसे से गुजरना पड़ता है मुझे। अली मियां, माजूरी जिस्मानी नहीं ज़हनी कैफियत का नाम है। तुम खुदा के वास्ते अपने आप को माजूर मत समझो। जी सर। अच्छा अच्छा ये बताओ, जिस मकसद के लिए वहां गए थे तो उसका क्या हुआ? सर मैंने और पायल ने शादी कर ली है। अरे वाह, कमाल यार, इतनी बड़ी खबर तुम ऐसे सुना रहे हो जैसे कोई नुकसान हुआ है तुम्हें। कब हुई शादी तुम्हारी? सर हुई भी है और खैर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था सर। तुम्हें पता है ना अली के मुझे टाला नहीं जा सकता। जी सर, दरअसल पायल अपनी मामा के घर रह रही है। क्यों? क्योंकि बकौल पायल के मुझे घर तोड़ने की आदत है, और वो मेरी तरह अपनी माँ को छोड़ नहीं सकती। अच्छा तो इस जुमले की वजह क्या बनी? उसकी अम्मी को ये डर है कि मैं पायल को कन्वर्ट करके अपने साथ ले जाऊंगा, इसीलिए वो मुझे हिंदू बनाना चाहती है। सर मैंने इस मोहब्बत को पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है, मैं इसे खोना नहीं चाहता, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। अली अगर तुम मंदिर चले गए तो क्या किसी ने तुमसे तुम्हारा ईमान छीन लिया है? मैं हर जगह गया हूं, हर जगह मंदिर गया हूं, मॉनेस्ट्री में गया हूं, चर्चेस में गया हूं, हर जगह गया हूं, मेरे ईमान को तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं जानता हूं अल्लाह मियां हमारी शह रखते भी ज्यादा करीब है। ईमान पुख्ता करो अपना बस। बेशक सर। नमस्ते पंडित जी। जीती रहो, तुम इसे जानती हो? जी ये मेरे हस्बैंड हैं। आप तो बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऐसा पति मिला। अली, तुम गुजारा कैसे कर रहे हो? सर एजेंसी से थोड़े बहुत पैसे आते रहते हैं। अली तुम्हारा कारोबार अच्छी हालत में नहीं है, इरफान चलाने की कोशिश तो कर रहा है। सर मैं कोशिश करता हूँ, मैंने इरफान से कहा तो है, मैं खुद भी थोड़ी कोशिश करता हूँ। प्लीज सर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अली जल्दी वापस आ जाओ, अभी वापसी के निशान मिटे नहीं है। तुमने देर कर दी ना, तो ढूंढते रह जाओ। जी सर। और सर शादी वाली बात मैंने किसी को बताई नहीं, सिर्फ इरफान को इस बात का पता है। अपनी हिफाजत करो अली।
बातों की नहीं। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। नेता तो मैं फौरन मॉरिशस जाना होगा। क्यों, क्या हुआ, कोई नई बात? जो घर से दूर होता है उसकी हर बात नहीं होती है, बस तुम तैयारी करो। जो बताएं तो हुआ क्या है? नेता अली अकेला है वहां पर। ऐसा कैसे हो सकता है, उनकी अभी तो शादी हुई है, वो अकेले कैसे हो सकता है? इतना नहीं पता मुझे, बस सर असम से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि अली की वापसी का कोई तरीका सोचें और वो खुद कभी भी नहीं वापस आ सकेगा। वेट वेट वेट, क्या मतलब? आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? यार मुझे नहीं पता, बस दोनों के दरमियान कोई बात हुई है ना। और ये असलम सर कभी सीधी बात क्यों नहीं कर सकते, हमेशा उल्टी बात क्यों करते हैं? बहरहाल तुम जाने की तैयारी करो। मैं अम्मी से क्या कहूंगी? उन्हें तुम चाहो तो मत बताना, जैसे तुम बेहतर समझो। बगैर बताए कैसे जा सकती हूँ, बाहर दुकान तक थोड़ी ना जा रही हूँ। तुम शायद भूल रही हो मेरा, तुम्हारी शादी हो चुकी है। यहाँ से शिफ्ट होने का बोल कर चलते हैं, आंटी भी तो ये चाहती है तुम रुखसत हो जाओ। तुम बेशक मेरे घर मत जाना, हम उसी दिन फ्लाइट रख लेंगे, तुम मॉरिशस चले जाना। मेरे को बिना कभी ना कभी पता चले जाएगा, फिर आप भी घर पर नहीं होंगे। मैं चक्कर लगाता रहूंगा यार, तुम इस बात की फिक्र क्यों करती हो, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बस जाने की तैयारी करो। और अगर वीजा ना लगा तो? ये तो मैं कोई खास मजा आता है हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचने का। इससे तो कुछ भी हो सकता है, ये छत गिर सकती है, जलजला आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लग जाएगा वीजा, 2-3 दिन में वीजा दे देते हैं, बस तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, 1-2 घंटे में वीजा दे देते हैं वो। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं मैंने अली और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में, सोने से पहले अच्छी तरह पढ़ लेना। फाइन। थैंक यू। एक बात कहूं तुमसे, अली हमेशा बताता था कि बचपन में तुम्हारे दिमाग पर चोट लगी, इसके बारे में तुमने किसी को बताया नहीं, जो तुमने छुपा ली थी, तुम्हारी बातों और हरकतों में पता चला। कहते थे वो मुझे, बहुत दफा कहते थे। इसमें से थे निकाल दो, वो है, तुम अपने भाई को लेने जा रही हो बहुत जल्द। माँ, दवाई भी नहीं खाई आपने? फिर दवाई? जी, सारी जिंदगी पेशेंट को आपने दवाइयां खिलाई हैं, अब खुद भी खाएं। मैं कभी इतनी बीमार नहीं थी जितनी बीमार तुमने मुझे किया है। आप बीमार हैं मॉम, बस आप दिखाती नहीं हैं। क्या दिखाऊं, हारी हुई औरत हूं मैं। आप बिल्कुल हारी भी नहीं है, आप जीती हुई हैं, जिंदगी से लड़कर जीती हैं आप। पायल प्लीज, ये जो तुमने शादी के शैकल्स लगाए हो ना पैरों पे, इनको तोड़ दो, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। मॉम आप भूल क्यों नहीं जाती सब कुछ? कैसे भूलूं, तुम अभी भी उसकी बीवी हो ना। जस्ट ऑन पेपर्स, मैं आपके साथ रहती हूँ, देखिए मैं आपके पास हूँ। अरे बेबी, उस पेपर को भी फाड़ के फेंक दो जिससे तुम्हें उसके साथ बांधा हुआ है। जो चीज मुझे आपसे दूर करेगी ना, नहीं रहेगी, बस ये याद रखें।
पल्लव, इट्स मी पायल. ओके थैंक्स, आई एम कमिंग. Mom, I'll be back in a while. Ishq samandar tan talu sab doobe dil da ke पंडित जी. जीती रहो. तुम इसे जानती हो? जी, ये मेरे हस्बैंड है. आप तो बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऐसा पति मिला. जी, ये कब से यहाँ बैठे हैं? ये तो यहाँ कल से बैठे हैं. मैंने सोचा कि ये कोई पुजारी है, लेकिन कुछ समय के लिए बहुत बेहोश रहा था. इसके जेब से ये आपका फोटो ही मिला मुझे. I'm sorry पंडित जी, आपको तकलीफ उठानी पड़ी. मैं इसमें सॉरी का कोई बात नहीं. नमस्ते. दुआ मांग लिया तो चले. आप पूरी होने के बाद कौन मानते? मजाक करिए. मजाक? हाँ मजाक. पता है तुम अब सारी जिंदगी भी यहां बैठे रहो ना तो यूजलेस है. पायल, डरने वाले के साथ तो हमदर्दी की जाती है ना, कि उसे और डराया जाए. फिर तो सारी हमदर्दियां मेरे साथ हुई और एक तुम हो जो मुसलसल एक नया खौफ मुझे गिफ्ट कर रहे हो. मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी भाई. खुद पर अपना या किसी और का हक समझता ही नहीं हूँ. ये सारी इमोशनल बातें हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. मोहब्बत रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करना होती है, और तुम्हारी आदत है कि तुम जिम्मेदारियों से भागते हो. से बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें समझने में आदि. मैं भूल गई थी कि जो इंसान अपनी माँ और बहन को छोड़ सकता है
उसके लिए किसी को भी छोड़ना आसान है। सुन रहे हैं ना भाई? मुझे पता है आप रो रहे, झूठ ना बोले, मैं जानती हूँ आपको। नहीं, मैं क्यों रोऊंगा? मैं जानती हूँ आप रो रहे। क्या हुआ है, आपने छुपके शादी कर ली और फिर पता नहीं कुछ गड़बड़ हुई है क्या? तुम्हें किसने बताया शादी का? आपको क्या लगता, कोई पूछने वाली बात? अम्मी को पता तो नहीं चला? ये बात कोई छुपने वाली है? क्या क्या सोचा था मैंने आपकी शादी के लिए। खैर छोड़े, मुझे बताए क्या हुआ है? पायल के साथ कोई लड़ाई हुई है? क्या किया उसने आपके साथ? हाँ मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ भाई, प्लीज ऐसे ना कहे। आपने कुछ नहीं किया। अभी को तुम्हारा मुझे माफ करना। आप प्लीज मुझे बताए ना क्या हो रहा है वहां आपके साथ, आप वापस क्यों नहीं आ जाते? हाँ हेलो हेलो से कॉल आया तुम्हारे ट्रीटमेंट की पेमेंट के लिए। सॉरी मैं बिल्कुल भूल ही गया था इस बारे में। तुमने तुम्हारी मामा को कॉल कर दी? ऑफ कोर्स, उन्हीं को करेंगे और उनकी वजह से अभी तक चुप है वो। हमें आप यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मतलब है कुछ नहीं? हमें तो क्यों रही है? एक मुशरिक की माँ की बख्शिश कैसे होगी? ये फिर वही बात। कब की उससे शादी? शादी? आप क्या कह रही हैं? एक लड़की के पीछे खुद तो दीन और दुनिया से गया, मुझे भी साथ घसीट कर ले गया वो।
संभाले। मैं बख्शी चाहूंगी। इधर देखे, बात समझने की कोशिश करे, शायद शायद उन्होंने शादी उससे मुसलमान करके की होगी। झूठ मत बोलो, अगर उसने उसने मुसलमान होना होता ये जाती मुसलमान, मेरी मेरी आकबत बर्बाद कर दी उसने, मुझे गुनाहगार कर दी उसने। अल्लाह क़यामत के दिन तुझे क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, मेरे बोला क़यामत के दिन किस मुंह से उठूंगी मैं, किस मुंह से उठूं अली। जाऊंगी अली, अली अली अली। होश नहीं आया अभी? आ जाएगा। जी आंटी, हुक्म। उसे मेरी मौत का मत बताना। मैं खुदा के लिए क्यों कर रही है ऐसी बातें? आ जाए तो मेरा मुंह भी मत दे। तुम जाओ, जाके पानी ले आओ। इरफान बेटा, तुम मुझसे वादा कर, उसे मेरी कब्र तक नहीं आने दो। आंटी, अल्लाह आपको सेहत देगा, अब क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? ये वसीयत है मेरी। सब ठीक हो जाएगा आंटी, चलो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वादा करो, वादा करो मुझसे, मैं वादा करता हूँ। अली मेरा कुछ नहीं रहा, मेरी वसीयत पूरी करना बेटा। जी आंटी, अगर जिंदा रहा तो जरूर करूंगा। पूरी कर। जी आंटी, मैं ऐसा ही करूंगा, तब तक जिंदगी रही मेरी तो जैसा आप कह रही हैं मैं ऐसा ही करूंगा। अब आप प्लीज आराम करें, ऐसा मत सोचें, मैं आपकी बात मानूंगा, आप आराम करें। हाँ। थोड़ी एहतियात कर लेती तो क्या बुरा था। क्या होगा,
जो भी होगा देखा जाएगा, कुछ भी प्लान करने का वक्त नहीं रहा। मतलब ये है कि जब से आंटी को अली की शादी का पता चला सब कुछ और ज्यादा मुश्किल हो गया। मैं कैसे जा सकूं? मैं भी यही सोच रहा था, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम भी गई हो तो खुदा ना खासा खुद को कुछ ना कर ले। अब तो अली के लिए भी वसीयत सुना दी है उन्होंने, तुम चली गई तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। मैं क्या करती? भाई रो रहे थे। क्यों? बस आप फोन करें पूछे। फोन करने से कुछ नहीं होगा, अब जाना पड़ेगा तुम्हें। मम्मी को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? वो अकेला नहीं छोड़ सकती यार, मैं हूं ना। मैं जानती हूँ मम्मी को, वो सोच सोच के अपनी हालत खराब करेंगी। मेरे ख्याल में तुम अपनी मम्मी से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। उसका क्या मतलब? देखो वो समझती हैं कि तुम अली की साइड ले रही हो, तुम्हारा झुकाव उसकी तरफ है। तो और कौन है मेरा? वो बात ठीक है यार, तुम गलत नहीं कर रही, मगर जब से पायल के हिंदू होने का पता चला तुम जानती हो आंटी क्या सोच रही है। जो अम्मी सोच रही है वो मैं मानने को तैयार नहीं। तुम मानो या ना मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच ये है कि पायल मुसलमान नहीं हुई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप गवाह थे निकाह के। अगर वो मुसलमान नहीं हुई तो मेरे करीब ये निकाह भी नहीं हुआ। प्लीज इरफान, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करें। मैं कॉम्प्लिकेट करूं चीजों को? निकाह मैं? I know, लेकिन अब क्या करना है? फीसे की कॉल आई आपको? नहीं है लेकिन आ जाएगी। चल मम्मी को अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती यार, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा इंशाल्लाह। उन्हें कुछ नहीं होगा, आगे अल्लाह को जो मंजूर, तुम बस जाओ। इरफान अगर मेरी जगह आप चले जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे जाने से कोई फायदा नहीं होगा ना, दोस्त है मेरा, मेरी हर बात को टाल सकता है लेकिन तुम्हारी नहीं। और वैसे भी तुम उसको मिलने नहीं जा रही, उसको लेने जा रही। पता नहीं अम्मी ये खबर कैसे लेंगी। अब और क्या होगा आंटी के साथ इस घर में, जो हो रहा है। खैर छोड़ो, तुम अपना रिएक्शन मत शो करना। और हर दो घंटे बाद बीपी चेक करते रहना, ओके? मैं चलता हूँ। तुम आ गई? मैं ना आती तो मॉम का फोन आ जाता। फिर कोई बात हो गई है क्या? हाँ, हॉस्पिटल से कॉल आया है तुम्हारे ट्रीटमेंट की पेमेंट के लिए। सॉरी मैं बिल्कुल भूल ही गया था इस बारे में, तुमने तुम्हारी मामा को कॉल कर दी? ऑफ कोर्स, उन्हीं को करेंगे और उनकी वजह से अभी तक चुप है वो। तो तुम उन्हें मेरा नंबर दे दो। अली पाकिस्तान नहीं है, वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझे ही करेंगे। पेमेंट कितनी है? मेरा कुछ गोल है जो मॉम के पास है, अगर मेरे पास होता तो। भाई, भाई। तुम मेरी जिम्मेदारी हो ना कि मैं तुम्हारी। कल शाम डॉक्टर से मीटिंग है, पेमेंट करनी होगी अली, नहीं तो कोई भी नजदीक की डेट। मैं पाकिस्तान से पैसे मंगवाने की कोशिश करता हूँ लेकिन पता तो चले कि अमाउंट कितनी है। आई थिंक
400,000 मोएशियन रुपीस। तुम्हें मॉम या कोई भी कॉल करे तो तुम इग्नोर कर देना। मैं जाती हूँ। भाई ऐसा क्या हो गया जो तुम एकदम बदल गई हो? ये सवाल मुझसे नहीं, खुद से पूछो अली। दवाई ली तुमने? क्यों जिंदा रखना चाहती हो मुझे? मैं लेके आती हूँ। बिस्मत बस इधर ठीक कर देना भाई यार, मेहरबानी। बेफिक्र हो जाए इरफान भैया, इस मौसम में बेफिक्र होकर मरना है। हेलो, हाँ ली, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? लग नहीं रहा ठीक। हाँ 8 लाख रुपए? अली तुझे तो पता है ट्रेवल एजेंसी के हालात ऑलमोस्ट बंद हो गई है, इन्वेस्टर ने सब पैसा निकाल लिया और स्टाफ भी सारा छोड़ गया, बस एक दो लड़के हैं, वो भी मैं कभी कभी चक्कर लगाता हूँ तो रुके हैं, वरना वो भी चले जाते हैं। पर क्यों चाहिए तुझे इतने पैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ अच्छा चल करता हूँ कुछ। हाँ हाँ फिक्र की जरूरत नहीं है, कहा ना कुछ करता हूँ मैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। ठीक ओके ओके अल्लाह हाफिज़।